Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you mathematics of 10th class, unit 1, quadratic equations. And today we're gonna talk about exercise 1.4, which involves radical equations. So we'll see how to solve radical equations. So let's start. तो ये है जी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो उससे आगाज़ कर लेते हैं। इसके टोटल 11 सवाल हैं, तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इक्वल्स अंडर रूट में 7x प्लस 16। लें जी ये सवाल हमारे पास आ गया। अब उसी तरह से क्या करना है, रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड्स का। तो हम ले लेते हैं जी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं। तो इधर है हमारे पास 2x प्लस 5, इसका स्क्वायर, और इधर है जी हमारे पास 7x प्लस 16 स्क्वायर रूट के अंदर, इसका भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सिंस ये चीज़ इसके बराबर होती है, देयरफॉर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट साइन कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास 7x प्लस 16 जो है वो मिल गया। अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर x की पावर 2। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 टू ज़ार 4 एंड 4 फाइव ज़ार 20 x, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इस तरफ है 7x प्लस 16। अब सारी की सारी टर्म्स जो हैं एक ही साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, और ये वाली टर्म्स जब इस साइड पे आएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -7x -16 इक्वल्स टू 0। अब लाइक टर्म्स जो हैं उन्हें हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहली टर्म तो वैसे ही रह जाएगी, यानी कि 4x स्क्वायर वैसे ही रह गया। अब 20x में से 7x माइनस हो रहा है, तो 20x में से 7x माइनस कर लेते हैं, तो कितना रह जाएगा जी 13x। और इसी तरह से 25 में से 16 माइनस कर लें तो ये रह जाएगा 9। लें जी अब इनके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं इस इक्वेशन के, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से इसको हल कर लें। इट्स ऑल अप टू यू, यानी ये बाप की चॉइस है कि क्या करना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, और 9 में 4 अगर ऐड करें तो 13 भी आ जाता है। इसका मतलब है कि ये तो आपको बने बनाए पेयर्स मिल रहे हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x कर लेते हैं प्लस 9x कर लेते हैं, और प्लस ये वाला 9। अब हम दो दो टर्म्स के दरमियान से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, यानी पहली दो टर्म्स में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 4x कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। अगली टर्म्स में से 9 को कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर भी x प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो ये बन गया x प्लस 1
और 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर लिख लेंगे और 4x प्लस 9 इसे भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं। यहाँ से x का आंसर आया -1 और यहाँ से x का आंसर -9/4। अब इन दोनों आंसर्स को हम चेक करते हैं कि ये हमारी रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या फिर नहीं। ओके, लेकिन हम पहली इस वैल्यू के लिए चेक करते हैं इक्वेशन को कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आंसर देती है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा एक्स की जगह पे -1। इक्वेशन में एक्स की जगह पर -1 पुट करना पड़ेगा और इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं। तो क्या आंसर आएगा जी, यहाँ पे आ गया -2+5 और इस साइड पे -7+16। तो इधर आ गया 3 और 16 में से 7 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट भी 3 के बराबर होता है। चेक, इसका मतलब है कि एक्स इक्वल्स -1 हमारी इक्वेशन का एक आंसर है। अब हम चेक करते हैं दूसरी वैल्यू को, चेक फॉर एक्स, हमारा दूसरा आंसर क्या निकला हुआ है, -9/4। एक्स इक्वल्स -9/4। तो इक्वेशन लिख ले पहले, 2x+5 इक्वल है 7x+16 और इस इक्वेशन में अब एक्स की जगह पर 9/4 पुट करते हैं। ओके, -9/4, तो जहाँ पर एक्स था मैंने वहाँ पे -9/4 लिख लिया है और अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, अब बाकी का एलसीएम बन जाएगा 2। तो -9 और 2 5 ज़ार होता है 10, तो यहाँ पे आ गया 10। इसी तरह से इधर भी सिंपलीफाई कर लें, 7 को -9 से मल्टीप्लाई कर लिया और अब इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं अगले स्टेप में। इधर आ गया 1/2 और इधर आ जाएगा एलसीएम में 4, -63 और 16 4 ज़ार 64। लें जी, तो ये 1/4 अंडर रूट साइन में आ रहा है जो कि इवेंचुअली हो गया इधर 1/2 और इस साइड पे 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का 2। चेक, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आंसर दोनों ही हमारी क्वेश्चन में दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयर फॉर सोल्यूशन सेट एस एस जो है उसमें हम दोनों को लिख देंगे। पहला आंसर क्या था, लेट मी सी व्हाट वाज द फर्स्ट आंसर, -1 और सेकंड है -9/4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 और -9/4। तो ये हो गया जी हमारा एक सवाल मुकम्मल। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये है जी हमारा दूसरा सवाल, इसमें भी उसी तरह से रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो पहली साइड में लिखा हुआ x+3 रेडिकल साइन के अंदर, इसका स्क्वायर ले लेते हैं
और दूसरी तरफ लिखा हुआ है जी 3x-1, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट साइन कैंसिल, तो x प्लस 3 आ गया। और दूसरी तरफ हमारे पास फॉर्मूला वही लग जाएगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म टाइम्स द सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ओके, तो एक्स प्लस 3 इक्वल्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x² और माइनस 2 3 जर 6x प्लस 1। लें जी, सारी रकमों को एक ही साइड पे शिफ्ट करें तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 3। तो फर्दर इसको रिड्यूस करें तो माइनस 6x और माइनस 1x ये बन जाएगा माइनस 7x, और ये 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन हमारे पास आ गई 9x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें भी फैक्टर्स करना चाहें तो फैक्टर कर सकते हैं कि 9 और 2 बने बनाए फैक्टर्स हैं, 9 में से 2 माइनस हो जाए तो मिडल में 7 आ जाएगा। तो फिर ऐसे ही करते हैं, माइनस का 9x रख लेते हैं, प्लस का 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0। पहली दो रकमों में से आप 9x को कॉमन ले सकते हैं तो पीछे रह जाएगा x माइनस 1, और अगली दो टर्म्स में से आप 2 को कॉमन ले लें तो फिर x माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 1 और 9x प्लस 2। ओके, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल आ गया 1, और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा माइनस 2/9। तो अब इन्हें फिर से चेक करते हैं, क्वेश्चन दोबारा से लिखते हैं और उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमें हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस 3 रेडिकल साइन के अंदर इक्वल है 3x-1। तो ये मैं इधर भी लिख लेता हूँ, इधर भी लिख लेता हूँ, और फिर इसमें पुट कर लेता हूँ एक्स इक्वल्स 1। ये हम चेक कर रहे हैं जी। तो इधर मैं पुट कर लेता हूँ एक्स इक्वल्स -2/9। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 पुट कर लें, तो ये हो गया 4 अंडर रूट के अंदर, और 3 माइनस 1 तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, और यहाँ से भी 2, तो ये तो चेक हो गया। इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें -2/9 पुट कर लेते हैं एक्स की जगह पर, एक्स की प्लेस पे -2/9। लें जी, इसका तो एलसीएम आ जाएगा 9, 9 3 27, और इधर जो है वो कटिंग हो सकती है, कैंसलेशन, 3 1 3, 3 3 9, तो -2/3 -1। इसका एलसीएम आ सकता है दिस वन। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ओके, तो इधर जो है वो 27 में से 2 निकल जाएंगे तो 25/9, और इसका अंडर रूट लेना है तो 25 का 5 और 9 का 3। यहाँ पर -5/3 आ रहा है।
तो ये बराबर नहीं आए, विच आर नॉट इक्वल, यानी ये इक्वल तो नहीं होते, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रूट नहीं हो सकता। तो फिर जिस पे हमारा आंसर आया है वही हमारा जवाब होगा, और आंसर हमारा किस पे आया था, एक्स इक्वल्स 1 पर। तो सोल्यूशन सेट हमारा एक्स बराबर 1 ही होगा। तो इसी के साथ हमारा, आप देख सकते हैं जो इसमें हमने देखा था, ये देख लें, एक्स इक्वल्स 1 हमारा जवाब है जिस पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर भी ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में अगले दो सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।